कि मेरी इन बातों पे आप गौर करोगे। मैं जिस मकसद से आया हूं कोई छुपी हुई बात है नहीं। आज मांगने के लिए आया हूं इस उम्मीद के साथ कि अगले 5 साल मुझे आप अपनी खिदमत, अपनी नुमाइंदगी और आपके मुतालबे हल करने का एक मौका दे दोगे। अब मेरे साथियों ने इस बात को अपनी तकरीरों में छेड़ा जो मेरे मुखालिफ मेरे खिलाफ इस्तेमाल करते हैं कि कौन कहां पे रहता है क्या करता है। अब जिन लोगों के पास अपना कुछ दिखाने के लिए होता नहीं है वो दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। मैं जहां से भी हूं काम मैंने गांदरबल में किया है, नुमाइंदगी मैंने गांदरबल की है। इस बात को छोड़ो कि यहां से मेरे दादा मरहूम भी एमएलए रहे हैं, मेरी दादी मेंबर पार्लियामेंट रही है, मेरे वालिद साहब दोनों मेंबर पार्लियामेंट और एमएलए रहे हैं। जाती तौर मैं 3 बार यहां एमपी रहा, 6 साल आपने मुझे अपना एमएलए बनाया। मेरे मुखालिफ जो ये कहते हैं कि मैं बाहर का हूं उनसे सिर्फ मैं एक गुजारिश करता हूं, आप अपने जो किए हुए काम हैं उनको गिनिए, मैं दूसरे तरफ से उन कामों को गिनूंगा जो मैंने गांदरबल में किए। अगर आपके काम मुझसे ज्यादा हैं मैं मैदान छोड़ के चला जाऊंगा। अगर आप मेरे इस अस्पताल का मुकाबला कर सकते हो, अगर आप हमारी इन सड़कों का मुकाबला कर सकते हो, अगर आप इस सेक्रेटेरिएट का मुकाबला कर सकते हो, अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मुकाबला कर सकते हो, अगर नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स का मुकाबला कर सकते हो, अगर फिजिकल एजुकेशन कॉलेज का मुकाबला कर सकते हो, अगर फिजिकल एजुकेशन का, अगर स्टेडियम का, पॉलिटेक्निक कॉलेज का, अगर इन कामों का आपका मुकाबला है, लाइए सामने। अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर रखते हुए मैं कहता हूं ना, मैं मैदान छोड़ के यहां से चला जाऊंगा। लेकिन अगर आपके पास मेरे खिलाफ सिर्फ यही है कि मैं रहता कहां पे हूं, तो ये गांदरबल के लोगों के साथ सख्त नाइंसाफी है, क्योंकि आपके मुतालबे दिल्ली के साथ जिन लोगों ने सौदा किया हुआ है वो हल नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। और अगर इसका आपको सबूत चाहिए तो कल ही जम्मू में वजीर दाखला साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। वो वहां पे गिन रहे थे कि किन लोगों के साथ वो कल हुकूमत बनाने के लिए तैयार नहीं है। उनमें कई सारी ऐसी पार्टियां हैं जिनका जिक्र ही नहीं हुआ। मतलब ये कि कल को अगर खुदा ना खास्ता उनको मौका मिला वो इन लोगों के साथ हाथ मिलाएंगे, जिनमें मेरे खिलाफ जो यहां आजाद उम्मीदवार खड़े हैं वो भी शामिल हैं, जिनमें ये अपनी पार्टी उनका भी जिक्र वजीर दाखला साहब ने नहीं किया, अपने पीपल्स कॉन्फ्रेंस उसमें भी वजीर दाखला साहब खामोश, यहां तक कि जो मैं शायद सोच रहा था कि कम से कम और कोई नहीं तो इंजीनियर रशीद साहब की पार्टी का भी जिक्र वजीर दाखला साहब करेंगे, उस पार्टी पे भी वजीर दाखला साहब खामोश रहे। मतलब ये कि कल को अगर बीजेपी चाहे तो उनके साथ भी हाथ मिला के जो है हुकूमत बनाएंगे। उस बात पे फिर मेरे दिमाग में फिर वो कीड़ा जो है घुसना शुरू हुआ जिसका मैंने कल जिक्र किया था। खुदा ना मुझे आप समझाएं, ये जेल से लोग मेरे पीछे इलेक्शन लड़ने के लिए क्यों पड़ जाते हैं? आखिर कुछ
कुछ तो है इसमें। ये बात गौर करने लायक है, क्योंकि जब पहली बार बारामूला में हुआ मैंने इसको गलत नहीं समझा। मैंने सोचा ये आदमी वहीं का है, इसने वहां पार्लियामेंट इलेक्शन पहले भी लड़ा है, चलिए फिर लड़ने की तमन्ना रखता है, शायद उसी जज्बात में ये कागज भर रहा है। अब जब नतीजे निकले मैंने सोचा अल्लाह ताला को मेरी जीत मंजूर नहीं थी, किस्मत उसकी ठीक थी, मेरी किस्मत खराब थी, और मैंने इसके बारे में फिर गौर किया नहीं। लेकिन जब ये असेंबली के इलेक्शन आए, खबर आनी शुरू हुई कि जिस आदमी के कागज वहां जैनपुरा शुपैया में ना मंजूर हुए वो यहां आएगा। फिर पता चला कि उसके कागज वहां ना मंजूर क्यों हुए, कि उसको कहा गया ना आपको हमने यहां से इलेक्शन नहीं लड़वाना है, आपको हमने उमर अब्दुल्ला के खिलाफ मैदान में उतारना है। और फिर मैंने फिर अपने साथियों से मशवरा किया। मैंने कहा ना मैं खुद इस चीज को अब साबित करना चाहता हूं कि ये जो जेल से लोग मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़ने के लिए आते हैं ये एक सोची समझी साजिश है। और मैंने उस दिन तय किया कि मैं दूसरी सीट पे कागज भरूंगा, लेकिन किसी को नहीं बताऊंगा कि मैंने भरने कहां से। हमने ना बीरवा का नाम लिया ना बड़गाम का नाम लिया, बल्कि चुपचाप तरीके से हमने कुछ जगहों पे ये डालना शुरू किया। कि शायद मैं अब बीरवा से कागज भरूंगा। अब मैं हैरान होता हूं वो शख्स जिसका ना गांदरबल से कुछ लेना देना है, जिसने शायद जिंदगी में शेर पथरी देखा भी नहीं है, वो पहले तो आके गांदरबल में कागज भरता है। अब क्योंकि उनको लगता था कि मैं दूसरा सीट जो है बीरवा से लड़ूंगा, वो गया वहां बीरवा कागज भरने। उसको क्या पता था कि मैंने फॉरम बड़गाम का निकाला है। लेकिन साबित तो हुआ, साबित हुआ कि ये लोग किसी और मकसद से मैदान में नहीं उतरे हैं, इनको उतारा गया है, और उतारा गया है सिर्फ एक शख्स को निशाना बनाने के लिए, वो मैं आपका जो नामजद उम्मीदवार नेशनल कॉन्फ्रेंस के तरफ से गांदरबल से इलेक्शन लड़ रहा है, सिर्फ और सिर्फ मरकज की साजिश के तहत मुझे हराने के लिए इन लोगों को मैदान में जो है इस्तेमाल किया जा रहा है। अब आ गया है इवीको, एक ऐसा L5 इलेक्ट्रिक ऑटो जो करेगा आपकी हर समस्या का समाधान और देगा हर ऑटो को मत। जी हाँ, ई राइड है एक ऐसा इलेक्ट्रिक ऑटो जिसमें ड्राइवर सहित 7 लोगों के आराम से बैठने की जगह है, जबकि 6 सवारी बिठाना भी है अलाउड। 10,000 वॉट की पावरफुल मोटर चढ़ जाएगी खड़ी चढ़ाई। 17 किलोवाट की 230 AH की बैटरी देती है 150 किलोमीटर से भी अधिक की माइलेज, वो भी 3 साल की वारंटी के साथ, क्योंकि इसमें लगा है एडवांस बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, जबकि बैटरी चार्ज करने के लिए है एक इजी होम चार्जर। उबड़ खाबड़ सड़कों के लिए मजबूत शॉकर, सस्पेंशन वो बड़े टायर। चोरी से बचाव के लिए इसमें लगा है GPS सिस्टम, डिजिटल डिस्प्ले, मजबूत मेटल बॉडी के साथ। मैदानी इलाकों में चलने के लिए है इको मोड, जबकि पहाड़ी इलाकों में चलने के लिए है पावर मोड। ई राइड में है चमकदार इंडिकेटर और तेज रोशनी की हेडलाइट। इसमें आपको मिलेगा इनबिल्ट मोबाइल चार्जर, फायर इंस्ट्रूमेंट, फर्स्ट एड किट और दमदार ब्रेकिंग सिस्टम भी। यानी अब सभी इलेक्ट्रिक ऑटो से ई राइड है सबसे अधिक दमदार, वो पावरफुल, और ये मात्र पैसेंजर में ही नहीं बल्कि कार्गो में भी उपलब्ध है, वो भी अधिक स्पेस के साथ, जिसे कहा जाता है छोटा हाथी। तो देर किस बात की, आज ही आए और ले टेस्ट राइड। हमारा पता है जम्मू HEVs प्राइवेट लिमिटेड, यार्ड नंबर 6, प्लॉट नंबर 37, ट्रांसपोर्ट नगर, मेन स्ट्रीट, जम्मू। मोबाइल नंबर 9780868883, 9070770000। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।